से बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं, गौरव वल्लभ भी पीछे चल रहे हैं, तो ये बड़ा सेटबैक है कांग्रेस का। जो पार्टी के कप्तान है वही वहाँ पे लक्ष्मणगढ़ से पीछे चल रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पीछे चल रहे हैं। एक बड़ा फैक्टर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर के ये है, मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है तो एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, और छत्तीसगढ़ में जहां पिछले 5 साल बीजेपी जमीन पर बिल्कुल नहीं थी वहां भी वो आज 37 सीटों पे खड़ी है 90 में से। या मध्य प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार थी वो और बड़े बहुमत के साथ आती दिख रही है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी वहां बीजेपी आगे चल रही है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल सही बात राजीव तुली जी ने कही कि 46 सीटों पर कांग्रेस जरूर बनी हुई है, लेकिन यहाँ पिछली बार प्रचंड बहुमत था, जो प्रचंड था ना वो इधर था। देखिए वो जो मोदी मैजिक देखना चाह रहे हैं ना, अगर राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े जादूगर को मोदी गायब कर दे रहे हैं तो मोदी मैजिक ही तो हुआ, और कौन सा मैजिक देखना चाहते हो। दूसरी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में देखिए बीजेपी प्लस में है, मध्य प्रदेश में प्लस में है, राजस्थान प्लस में है, और तेलंगाना में भी प्लस में है, भारतीय जनता पार्टी प्लस में है। राजस्थान का चुनावी इतिहास सौरभ जी आपको पता नहीं, अगर चुनावी इतिहास पता होता तो वो इतिहास ही बता रहे ना, पिछली बार के मुकाबले प्लस में। अगर अभी भी 83 पे बने हुए हैं वो, यही तो अशोक जी की जादूगरी यही है। इसका मतलब ये साफ है कि बीजेपी ये मान रही है कि हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसकी कोई हैसियत नहीं है, ये मान रही नहीं। इनको हार किस तरह की पसंद है, बिल्कुल औंधे मुंह गिरने वाली हार पसंद है। कांग्रेस ने कम से कम डेमोक्रेसी दिखाई, उसने हर स्टेट में अपने नुमाइंदे को जिंदा रखा, लेकिन यहाँ मोदी मैजिक। कि अगर स्टेट की लीडरशिप की बात करें, आप मध्य प्रदेश में आइए, आप कमलनाथ जी के अगर मध्य प्रदेश में एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो शिवराज चौहान की बात करें तो दोनों के एक्सपीरियंस में दो स्टेट की राजनीति में बहुत फर्क है, तो आप ये तो नहीं कह सकते। दूसरी बात, अगर राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में तो कांग्रेस के अंदर जब से पिछले वहां शिवराज जी का कौन जिक्र कर रहा है, आप बताइए। बार बार मोदी मैजिक, अभी जब हारेगी बीजेपी तब मोदी जी का नाम नहीं लेंगे, विश्व में मोदी मैजिक है। और अगर कहना चाहते हैं, ये जो मध्य प्रदेश की बात हो रही है अभी, मैं कह रहा हूँ शुरुआती रुझान है, और मैं एक चीज अब कितनी देर तक कहोगे शुरुआती रुझान, पूरे वहाँ बहुमत हो गया। किशोर भाई, जिस मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के पास तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत अभी जो रुझानों में कांग्रेस को बहुमत तेलंगाना में, शुरुआती रुझान है किशोर भाई, बिल्कुल शुरुआती रुझान है। ये पलटेंगे नहीं, पलटेंगे तो केवल मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो दिख रहे हैं। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था, शिवराज जी अपना चेहरा लटकाए घूम रहे थे, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। राजस्थान में बताया था क्या मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? राजस्थान में तो डिप्टी सीएम आपके मुख्यमंत्री चेहरे पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार का। शिवराज जी को स्वयं कहना पड़ा कि अब की बार मामा की सरकार, ये मन से बोल रहे थे तो लग रहा था कि वो कितने ज्यादा 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप 18 साल से गायब हैं मध्य प्रदेश। किशोर जी, एक प्रैक्टिकल बात है, आपको ध्यान होगा कि इसी सब बहुमत से नीचे चली गई है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 44 पर और 41 पर बीजेपी, बहुत ही दिलचस्प होता हुआ छत्तीसगढ़ में। अब विजय जी कह रहे थे पलटेगा, लेकिन पलटा कांग्रेस के खिलाफ है। देखिए किशोर जी, एक बात मान के चलिए कि किसी भी पार्टी के लिए संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। आपको याद होगा कि इन्हीं सब बहानों से, लोगों के कहने के कारण कल्याण सिंह एक जमाने में संगठन के खिलाफ खड़े हो गए और कल्याण सिंह की दुर्गति हुई, और जिस वजह से ना शिवराज सिंह, लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो कह रहे थे कि आदिवासियों का अपमान किया गया, वहाँ देखिए दिखा रहा है आप ही के स्क्रीन पे कि बीजेपी आगे लीड कर रही है। जी हाँ, 33 सीटें ऐसी जहाँ आदिवासी फैक्टर माना जाता है छत्तीसगढ़ में, उसमें 20 के रुझान आए हैं, 33 में जो 20 के रुझान आए, 21 के रुझान आए हैं, उनमें 12 पर बीजेपी आगे, 9 पर कांग्रेस आगे, लेकिन ये 12 जो बीजेपी आगे ये +10 थे, यानी पिछली बार ये 2 सीटें थी बीजेपी की, वो 2 से बढ़ के 12 हो रही हैं। उधर नक्सल प्रभावित इलाकों में भी कांग्रेस की -6 हो रही हैं, नक्सल प्रभावित इलाके और आदिवासी इलाके, वहां पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस 44 पर बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर गई थी, पीछे हो गई है, 41 पर बीजेपी आ गई।